थोड़ा सा कत्ते सर दे रही हूँ, थोड़ा ये साहित्य की नगरी है। ये ले बेटा, भैया मुकेश के लिए है। वाह क्या बात है मुकेश, बहुत सुंदर। हाँ क्या बात है, लाल लाल कुर्ते में नीला बटन, वो पैसों के खातिर छोड़ के आया ये लड़का बटन। अच्छा अच्छा, शुक्राम भैया की तरफ से भैया मुकेश के लिए ये किस्मत मुद्राएं हैं। शुक्राम भैया आप हमेशा सुखी रहें, यही ईश्वर से कामना है। सुनेगा अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से। ये तर्ज है निवेदन है आप लोगों से, मर्द सुनना सुनना। अरे पांच पिता है जिनके ब्रह्मा, माता भी वही है और पिताजी भी वही है, यानी ये माता से नहीं जन्मे, पिताजी से ही जन्मे। कौन है वो, कौन है? अरे पांच पिता है जिनके ब्रह्मा, चारों ब्रह्मचारी है। माता पिता है जिनके ब्रह्मा, चारों ब्रह्मचारी है। और घर में रक्षा सदा ही करते, चारों धर्माचारी है। और ये चारों की हमेशा उम्र कितनी रहती है? कुमार अवस्था जिनकी रहती, हमेशा ये 5 वर्ष के ही रहते हैं। चाहे जितने कल्प बीत जाए, चाहे जितने मनमंत्र बीत जाए, चाहे जितने युग बीत जाए। सुनिए सुनिए सुनते रहिए। कुमार अवस्था जिनकी रहती, सदाचारी है। और सदाचारी है और चारों एक ही राशि के हैं। हमेशा अवस्था 5 वर्ष की ही रहती है। श्री ब्रह्मा के राशि के पुत्र चार है। सनन सनंदन और सनातन तेरे दीपक भाई के लिए। क्या बात है, दास भाई बैठे आइए। दीपक भाई जमा कर नहीं, ले लो हम मिला के नहीं देंगे। एक बार दीपक भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। ये हमारे प्रदीप चौचान जी आपकी तरफ से ये 500 मुद्रा प्रदान किए हैं। हृदय से धन्यवाद है, मेरी ओर से ढेर सारा धन्यवाद है। आइए आप सहयोगी कलाकार को सुनेंगे और समय भी हो रहा है जगदीश भैया, और मेरे हिसाब से ओ 7 बज गया। भैया हमारे शफरीदी टमाटर वाले भैया की तरफ से 101 पद मुद्रा है, भैया हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद है। मुरारी राज बाबा घाट हर बार आपकी तरफ से 51 पद मुद्रा भेंट हो रही है, धन्यवाद है, स्वागत है। हेलो, कल्पना जी का टर्न खत्म हुआ, क्या कहें भाई। वैसे तो आप सभी गवाह हैं और ये 2-2 चैनल लगे ये भी गवाह हैं। बार बार हमको इंडिकेट किया जा रहा है कि बहुत बातें हो रही हैं, हमसे ये कहा जा रहा है, हमसे वो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। भैया हम आखिर ऐसा क्या कह रहे हैं, लो हम कुछ कहते नहीं, ठीक है, कीप साइलेंस, तुम खुश रहो, हम नहीं कहते, अब तुम कहते रहना जो कुछ कहना हो। क्या कह रहे हैं आप लोग, यदि कुछ कहें तो बहुत अच्छा है, अगर सामने से किसी ने कुछ कह दिया तो ये बहुत बुरा है, बुरा और सब कुछ कहा। क्या बात हुई, देखिए पुराने बुजुर्गों का कहना, यदि आप किसी से मजाक करते हैं, ठिठोली करते हैं, तो जो सामने वाला मजाक करेगा उसको सहने की क्षमता रखिए कलेजे में। वो अपने अंदाज से करेगा, आप अपने अंदाज से करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आप किसी से कुछ कहते हैं तो बदले में जो सामने वाला कहेगा उसको सहन करने की क्षमता रखिए। सब कुछ कहा जा रहा है और ये सब देख रहे हैं कि शुरुआत मेरी ओर से नहीं हुई है, शुरुआत तो उधर से ही हुई है और हर मामले की हुई है। लेकिन चलिए छोड़िए डालिए मंडी, और वैसे भी ये माताजी आई हैं आपके पास, इनसे मिलिए पहले। ये माताजी का आशीर्वाद आ रहा है, माताजी का मंत्र भी है। देखिए सुबह सुबह हमारी परम पूज्य माताजी का आशीर्वाद 11 रुपए से हमको मिला है। माताजी का ये पावन आशीर्वाद सदा बना रहे, मैं यही कामना करूंगी माताजी आपसे। हाँ, ये 11वां रुद्र अवतार है हनुमान जी का, आशीर्वाद बहुत कर रहा है। किस जरा सी बात पे इतना उदास हो जाना, जरा सी बात पे इतना उदास हो जाना, सिर से पैर तलक देवदास हो जाना। जरा सी बात पे इतना उदास हो जाना कि सर से पांव तक देवदास हो जाना। और ये काम सिर्फ सियासत में यार होता है, अरे ये काम तो सिर्फ सियासत में यार होता है, इम्तिहान दिए बिना ही पास हो जाना। लेकिन ये कीर्तन मंच है और आप और हम इस समय प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। और भैया एग्जामिनर लोग इधर खड़े हुए हैं, हाँ, ये कॉपी जांच रहे हैं, अभी हमारी कॉपियां टेस्ट कर रहे हैं, सुबह ये मार्कशीट बना रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, आपने गीत गाया, हमने कहा था नहीं, पहले तो हमको सुर समझाया गया, ये सुर है, हाँ, बहुत अच्छे। एक बेसुरा आदमी हमको सुर समझा रहा है, जिसको ये नहीं पता कि हमको गाना कहाँ से चाहिए, बस रात भर एक ही ताल पर ठोके जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, पता है कि कहाँ क्या जा रहा है, लेकिन हमको सुर समझाया जा रहा है। चलो हम सीख रहे हैं राग, ये राग अहिर भैरव है, ये राग जय जयपंथी है, ये राग टोड़ी है, ये राग भीम पलासी है, ये राग माफी है, बहुत बढ़िया, ये राग माफी है, और राग इधर ब्रजवासी है, ध्यान रखो। आप अपने राग अपने पास क्यों नहीं रख लेते? अगर ब्रज का एक मुझे ना तो आपके रागों की आवश्यकता है, तो आपके द्वारा दी गई सलाह की आवश्यकता है, और यदि मुझे आवश्यकता होगी तो मैं सामने से मांगूंगी ना। कल्पना जी मुझे कुछ मशवरा दीजिए, बिन मांगी सलाह भी नहीं देनी चाहिए किसी, बहुत गलत। ये 51 रुपए आदरणीय अजय गौतम जी सिटी डॉन टेलर्स इनकी ओर से प्राप्त हुए, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है, हृदय से वंदन है। गाया इन्होंने कि क्या लिए ऐसे लोगों से क्या बात है मेरे लाल प्रेम बेनाम हो गया। ऐसे ही गाया था क्या उन्होंने? जब से हमने गाना, कितनी उम्र है तुम्हारी? कब से गाई पैदा होता आ रही थी क्या? ये गाते होते हुए पैदा हो रही थी? अरे बताइए, जब से हम गा बजा रहे हैं तब से गा बजा रहे हैं। नहीं हमने क्या अभी यहाँ बैठे बैठे निकली? हम फालतू है क्या? इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है, समझ रहे हो ना? हमारा भी गीत आज का नहीं, बहुत पुराना गीत है, तुम्हारे सामने गाया जा रहा है। नया मैटर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं होता है, वो कुछ कीमती हीरो के लिए रखा गया है। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। कहीं जा रही है बदलाव तो इन्होंने हमको कर ही दिया कि हम इनसे कह रहे हैं तो अब कह रहे हैं तो कह ही रहे हैं। तुम सुनो, हम कह रहे हैं तुम कहो, हमने तो मना नहीं किया कि मत कहो। या ये हमसे कह रहे हैं, एक बार भी कहा नहीं कहा, तुमने जो कहा उसका जवाब दे दिया, बात खत्म। समाज का आशीर्वाद मेरे सर पे रहता है हमेशा। और वो कहा भी करते थे कभी कभी कि बेटा जिस चेले पे गुरु का प्यार होता है वो चेला बहुत चमकदार होता है, और जिस चेले पर गुरु का प्यार होता है वो चेला पॉकेटमार होता है। क्या बात है। तो ये मत समझे कि मैं हारमोनियम नहीं बजा रही हूं तो मुझे पता नहीं है, बजा ही तो नहीं रही हूँ, इसका ये थोड़ी है कि मुझे कुछ पता नहीं है या मुझे कुछ आता नहीं है। ये मेरी अपनी मर्जी है कि मैं हारमोनियम बजाऊं या ना बजाऊं। तो क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे और ये नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ कहा था? आइए जवाब दीजिएगा मेरी तरफ से, मैं बातों में समय से नहीं करना चाहती। और ये 51 रुपए रक्षाबंधन कमेटी फीतफुलगंज बाजार कानपुर की तरफ से आया है, मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और हमारे शिवम भैया पर 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। नाराज राज जी समझे, नाराज ये होते हैं और बनकर के हम राज जी हम राज होते हैं। भरत जी ने सिंहासन को त्याग डाला है और श्री राम के हृदय में भी जो ये राज पाया है। तो देखिएगा मेरी तरफ से जवाब छोटा सा, नारी अंजनी लाल की पांचों ब्रह्मचारी है और भीष्म पिता महेश सदा सर्वदा कहलाए ब्रह्मचारी है, कहलाए ब्रह्मचारी है, कहलाए ब्रह्मचारी है। नारद मुनि भी जीवन भर ही, नारद मुनि ही जीवन भर ही सदा रहे ब्रह्मचारी है। गौरव गाथा उनकी जाने देखो ये आइएगा एक गीत और इन्होंने गाया है।